24 घंटे बाद भूटान प्रशासन ने गुरुवार की शाम 6 बजे के बाद जयगांव सीमा के भूटान गेट खोल दिया। गौरतलब है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की नेशनल असेंबली का चुनाव गुरुवार को है। इससे पहले जयगांव सीमा पर भूटान गेट को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। भूटान सरकार के केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जयगांव का भूटान गेट बुधवार शाम 6 बजे से बंद कर दिया गया था। साथ ही जयगांव सीमा पर भूटान पैदल यात्री टर्मिनल का गेट भी बंद रखा गया था। गुरुवार को चुनाव समाप्त होने के बाद शाम 6 बजे के बाद भूटान प्रशासन द्वारा भूटान गेट खोल दिया गया। भूटान गेट खुलने के तुरंत बाद दोनों देशों के लोग इस पार से उस पर जाने के लिए भीड़ जमाया। देखें भीड़ की तस्वीरें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस आपकी आवाज। जयगांव छोड़कर हम कहाँ रहेंगे? बोलिए। यही लड़का है। इंडिया में इसका मन नहीं लगता था भाई। Thank you.